गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रश्न है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। तो किसी द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो द्रव के सरफेस पर सतह पर साम्यावस्था में उसके वाष्प के द्वारा डाला गया दाब कहलाता है वाष्प दाब। तो यदि कोई अवाष्पशील तथा विद्युत अन अपघट्य पदार्थ किसी भी विलायक में जब विलय किया जाता है तो समान ताप और दाब पर इस विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक की तुलना में कम आता है। यानी कि इससे क्या स्पष्ट हुआ कि किसी विलयन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है तथा वाष्प दाब में ये जो कमी है वो विलय के घोले जाने वाली मात्रा के सीधे समानुपाती होता है। यानी कि जितनी ज़्यादा हम विलय की मात्रा को उस विलायक में घोलते चले जाएंगे उसके वाष्प दाब में उतनी ही कमी आती चली जाएगी। ठीक है, यदि हमने विलय के कम मात्रा घोली यानी कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो उसका वाष्प दाब ज़्यादा आता है, और अगर जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेट है यानी कि विलय की मात्रा ज़्यादा घोली है तो वाष्प दाब जो है वो और भी कम प्राप्त होता है, यानी कि वाष्प दाब में अवनमन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कमी है वाष्प दाब में उसे हम बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। अब हम मान लेते हैं कि शुद्ध द्रव का जो वाष्प दाब है वो कैपिटल पी तथा उसके ज्ञात सांद्रता वाले विलयन का वाष्प दाब क्या है पीएस है। तो वाष्प दाब का अवनमन क्या हुआ, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। यानी कि वाष्प दाब अवनमन में सर्वप्रथम गेलुसेक ने कुछ कार्य किया, लेकिन इसका विस्तार में अध्ययन जो है वो वॉन बावो और वुलनर साइंटिस्ट ने किया। तो 1848 में वॉन बावो ने बताया कि यद्यपि ताप बढ़ाने के साथ साथ वाष्प दाब का जो मान है वो तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, लेकिन किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो इनका अनुपात है यानी कि वाष्प दाब में अवनमन अपॉन शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यानी कि वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन है उसमें ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है, अर्थात अनुपात उतना ही रहता है। ठीक है, तो विलय द्वारा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यानी कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या हुआ, कैपिटल पी माइनस पी एस अपॉन कैपिटल पी। तो 1887 में राउल्ट ने वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन और सांद्रता के लिए एक नियम दिया जिसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि निम्न की आयनिक सामर्थ्य की कैलकुलेशन कीजिए, आयोनिक स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन कीजिए। तो पहला है 0.1 mNaCl प्लस 0.2 m सोडियम सल्फेट, यानी कि 0.1 मोलल सोडियम क्लोराइड और 0.2 मोलल सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड का विलयन बनेगा तो वो सोडियम आयनों और क्लोराइड आयनों में टूट जाएगा। ठीक है, यानी कि एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन मिलेगा। ठीक है, जबकि जब सोडियम सल्फेट टूटेगा तो दो सोडियम आयन और एक सल्फेट आयन प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि सोडियम आयनों की कंसंट्रेशन जो है वो सल्फेट आयनों की तुलना में जस्ट डबल होगी। ओके, तो आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एच बराबर हाफ एम वन जेड वन का स्क्वायर प्लस एम टू जेड टू का स्क्वायर प्लस एम थ्री जेड थ्री का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सोडियम आयनों के लिए एम वन की वैल्यू क्या है, एम वन की वैल्यू हो गई आपके 0.1, यानी कि कितना मोलर सॉल्यूशन है 0.1। ठीक है, प्लस 2 × 0.2, क्योंकि इस जो सॉल्यूशन मिला है सोडियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट का उसमें जो है एक तरफ तो सोडियम क्लोराइड वाले आयनों की कंसंट्रेशन 0.1 है जबकि सोडियम सल्फेट से जस्ट डबल कंसंट्रेशन यहाँ पे प्राप्त हो रही है, इसलिए यहाँ पर 2 × 0.2 लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार से क्लोराइड और सल्फेट आयनों के लिए भी हम इनके मान रख लेंगे, प्राप्त कर लेंगे कंसंट्रेशन के, और यहाँ पर वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, एम वन एम टू और एम थ्री की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और यहाँ पर जेड क्या है इनके
चार्ज वैलेंसी है और आयोनिक स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन कर लेंगे। और इसी प्रकार से हम 0.01 एम क्रोमियम सल्फेट के लिए भी कैलकुलेशन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि जब क्रोमियम सल्फेट को डिसॉल्व किया जाएगा किसी भी सॉल्यूशन में तो यहाँ पर क्रोमियम जो है उसकी कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी और सल्फेट की कंसंट्रेशन ट्रिपल हो जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि अणुसंख्या गुणधर्म और परासरण दाब पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो अणुसंख्या गुणधर्म क्या होते हैं? तो विलयनों के ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिनके मान डाइल्यूट सॉल्यूशन के इकाई आयतन में घुले हुए विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि विलय की प्रकृति, यानी कि विलय की रासायनिक संरचना और रासायनिक संगठन पर अणुसंख्या गुणधर्म जो है वो निर्भर नहीं करते हैं, केवल किस पे निर्भर करते हैं? कणों की संख्या पर। ठीक है, तो अवाष्पशील विलय की तनु विलयनों की अवस्था में निम्नलिखित अणुसंख्या गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे जो उस सिस्टम में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी कि वास्तव में जो अणुसंख्या गुणधर्म होते हैं वो विलायक की नेचर पर निर्भर करते हैं, विलय की नेचर पर निर्भर नहीं करते, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है? पहला है विलयन का परासरण दाब, दूसरा है विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तीसरा है विलयन का क्वथनांक उन्नयन और चौथा है विलयन का हिमांक अवनमन। ठीक है, अब हमारा प्रश्न है परासरण दाब क्या है। ठीक है, और प्रायोगिक विधि द्वारा इसे कैसे ज्ञात किया जाता है और परासरण दाब से संबंधित विभिन्न प्रकार के नियम। तो व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? तो जब किसी विलायक और विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट किया जाए और किसी बर्तन में रखें तो परासरण देखने को मिलता है। ठीक है, तो विलयनों के परासरण दाब को निम्न तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। किसी विलयन का जो परासरण दाब होता है वो दिए हुए ताप पर विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब होता है जो विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली में से गुजरने से रोकता है। दूसरा है किसी विलयन का परासरण दाब उसके विलायक की ओर कम किया गया दाब है जो विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की ओर बहने से रोकता है। ठीक है, यानी कि परासरण दाब को हम निम्न प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के विलयन में बहाव या परासरण को रोकने के लिए विलयन का लगाया जाने वाला अतिरिक्त बल परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, अब प्रायोगिक विधियों से हम परासरण दाब को मापन कर सकते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार की विधियाँ होती है। पहली है फेफर की विधि, फिर दूसरी है मोसे और फ्रेजर की विधि, और तीसरी है बर्कले और हार्टले की विधि। तो बर्कले तथा हार्टले ने 1904 में परासरण दाब ज्ञात करने की एक विधि दी जो तीनों विधियों में से सबसे बेस्ट तथा यूजफुल है। इस विधि में परासरण को रोकने के लिए बाहर से दाब लगाया जाता है जो परासरण दाब के बराबर होता है और उनके द्वारा जो उपकरण प्रयुक्त किया गया है वो निम्न प्रकार से है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दोनों ओर से खुले हुए पोरस पात्र को जिसकी दीवारों में कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली लगी हुई होती है जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है, कांसे के बाहरी सिलेंडर में सील कर दिया जाता है और सिलेंडर में एक जलरोधी पिस्टन एक दाब मापी लगा रहता है। पोरस जो कंटेनर के एक ओर केशिका नली और दूसरी ओर संचयक लगे हुए रहते हैं। अब पोरस पात्र में जो डिस्टिल्ड वाटर तथा सिलेंडर में विलयन जिसका परासरण दाब निकालना हो भरे होते हैं। अब केशिका नली में जल की ऊंचाई ज्ञात कर विलयन को सिलेंडर में भरा जाता है और परासरण के कारण पिस्टन ऊपर की ओर उठता है तथा केशिका नली में जल का जो तल है वो गिरने लगता है। ठीक है, तो इस समय पिस्टन पर दाब लगाकर केशिका नली में जल के तल को पहले वाली ऊंचाई पर स्थिर रखा जाता है। तो इस समय विलयन पर दाब लगने पर परासरण नहीं हो सकता है। ठीक है, तथा यह जो बाहरी दाब लगाया गया है वो परासरण दाब के बराबर होता है, इससे दाब मापी से पढ़ लिया जाता है और इस विधि से जो परासरण दाब निकल के आता है वो
पहले की दो विधियों से इसमें समय भी कम लगता है और इक्विलिब्रियम भी शीघ्र ही स्थापित हो जाता है। ठीक है, फिर है आपके परासरण दाब से संबंधित नियम। तो वानठाफ ने तनु विलयनों के परासरण दाब पर विलयन की सांद्रता व ताप का अध्ययन करके कुछ नियम दिए जो निम्न प्रकार है। पहला है वानठाफ बॉयल का नियम। ठीक है, तो स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब विलय अणुओं की संख्या अथवा विलय की सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि पाई अपॉन सी बराबर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, जहां पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, और सी क्या है, विलयन की कंसंट्रेशन है आपके मोल पर लीटर में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सी बराबर क्या हो गया, 1/V, जहाँ वी जो है वो लीटर में वह आयतन है जिसमें 1 ग्राम मोल विलय उपस्थित है, यानी कि समीकरण 1 से पाई गुणा 1/V, यानी कि पाई बराबर क्या आ गया आपके के गुणा 1/V। ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये वॉल्यूम के क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो पाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो पाई बराबर इन्वर्स आपके जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया यहाँ पे के। ठीक है, तो यानी कि पाई वी बराबर क्या हो गया के, यानी कांस्टेंट। ठीक है, अतः स्थिर ताप पर डाइल्यूट सॉल्यूशन के परासरण दाब तथा उसके आयतन का जो गुणनफल है वो कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। तो यह गैसों के बॉयल नियम के अनुरूप है, अतः यह तनु विलयनों का वानठाफ बॉयल नियम कहलाता है। फिर है आपके दूसरा वानठाफ चार्ल्स का नियम। तो स्थिर सांद्रता वाले तनु विलयनों का जो वाष्प दाब है वो परम ताप के सीधे समानुपाती होता है। चूंकि सांद्रता सी और आयतन वी एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम कंसंट्रेशन में वृद्धि करते हैं तो आयतन में क्या होती है, आयतन में कमी हो जाती है, इनकी कंसंट्रेशन और आयतन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, स्थिर आयतन पर तनु विलयन का जो परासरण दाब होता है इसके परम ताप के सीधे समानुपाती होता है, और ये गैसों के चार्ल्स नियम के अनुरूप है, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वानठाफ चार्ल्स का नियम या विलयनों के लिए दाब ताप का नियम कहलाता है, यानी कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि पाई अपॉन टी क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, इसी प्रकार से अब विलयनों का साम्य इक्वेशन क्या आ जाएगा, विलयनों के लिए वानठाफ द्वारा दिए गए उपरोक्त दोनों नियमों के आधार पर, यानी कि पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो दोनों नियम को जब हम कंबाइंड करेंगे तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अपॉन वी आ जाएगा, यानी कि पाई वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, यानी कि पाई वी बराबर एस टी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा एस। ठीक है, इसी प्रकार से पाई वी बराबर एन मोल के लिए क्या जाएगा, एन एस टी। ठीक है, तो ऐसे कांस्टेंट है जो विलयन का स्थिरांक कहलाता है। तो समीकरण 5 को विलयन के लिए वानठाफ समीकरण या सामान्य समीकरण कहते हैं, और ये समीकरण पी वी बराबर एन आर टी के अकॉर्डिंग है, उसी के अनुरूप है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वानठाफ समीकरण को हम निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं, पाई वी बराबर एन आर टी। फिर नेक्स्ट जो लॉ है वो है वानठाफ अवोगाद्रो नियम। तो कि माना कि दो विलयन है, प्रथम विलयन में एन वन मोल विलय वी वन लीटर विलयन में टी वन केल्विन पर घुले हुए हैं जिनका परासरण दाब पाई वन है, इसी प्रकार दूसरे विलयन के लिए एन टू मोल विलय वी टू लीटर विलयन में टी टू केल्विन पर घुले हुए हैं जिसका परासरण दाब पाई टू है। अतः डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए सामान्य समीकरण के अनुसार पाई वन वी वन बराबर एन वन एस टी वन तथा पाई टू वी टू बराबर एन टू एस टी टू, यदि दोनों विलयन समपरासरी हो तो समान ताप पर पाई वन बराबर पाई टू या टी वन बराबर टी टू। ठीक है, तो
तो इस प्रकार समान आयतन V1 बराबर V2 हो तो समीकरण 7 व 8 की तुलना करने पर N1 बराबर क्या हो गया, N2 हो गया। इसलिए समान ताप और समान परासरण दाब पर विलयनों के समान आयतन में घुले हुए विलेय के अणुओं की संख्या भी समान होती है। यह गैसों के अवोगाद्रो नियम के अनुरूप है, इसलिए यह विलयन के लिए वान्ट्हाफ अवोगाद्रो नियम कहलाता है। ओके।